क्रिकेट स्टेडियम में नजर आएगा भगवान शिव का डमरू और त्रिशूल। क्रिकेट दर्शकों को करेगा और भी कूद। हम बताएंगे आपको पूरी खबर कि आखिर कैसे स्टेडियम को मिलेगा भगवान शिव का आशीर्वाद। नहीं होगा कोई भी विवाद। स्टेडियम के उद्घाटन के लिए आएंगे सचिन और सुनील गावस्कर। आखिर कब तक शुरू हो जाएगा ये विश्व चर्चित स्टेडियम, हम बताएंगे आपको इस बात का समाधान। सोचिए कभी कोई ऐसा स्टेडियम हो जहां पर भगवान शिव साक्षात मौजूद हो। यकीन करना नामुमकिन भले लग रहा होगा, लेकिन ये बात 16 आने सच है। यानी कि भारत में एक ऐसा स्टेडियम बनने जा रहा है जहां पर भगवान शिव का डमरू होगा, त्रिशूल होगा। आज हम आपको इसी स्टेडियम की कुछ झलकियां दिखाने जा रहे हैं और फिर इस स्टेडियम से जुड़ी एक अनोखी बात बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल धर्म की नगरी काशी में बनने वाला ये इंटरनेशनल स्टेडियम शिव की थीम पर बनेगा और इसका आकार बेलपत्र की तरह रखा जाएगा। और सबसे खास बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को देश के पहले आध्यात्मिक और धार्मिक थीम पर आधारित क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास कर देश को एक नया स्टेडियम दे देंगे। बताया जा रहा है कि ये स्टेडियम अगले 30 महीनों में बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अभी तक मिली सूचना के अनुसार इस स्टेडियम का आर्किटेक्ट धार्मिक होगा। स्टेडियम की थीम शिव जैसी होने की बात कही जा रही है। इस क्रिकेट स्टेडियम पर बड़ा सा डमरू, साथ ही फ्लड लाइट्स त्रिशूल के आकार की रखी जाएंगी। स्टेडियम का डिजाइन ऐसा होगा कि ऊपर से देखने पर यह बेलपत्र की तरह लगेगा जो भगवान शिव को बहुत पसंद है। वहीं अगर इस स्टेडियम को बनाने में जो बजट लगेगा वो करीब 400 करोड़ होगा। इस स्टेडियम में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसकी छत पर भगवान शंकर के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र भी बनाए जाने की बात कही जा रही है। यहां के कमिश्नर कौशल राज शर्मा की माने तो इसके शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए भारतीय क्रिकेट के नामचीन हस्तियों को इनविटेशन भेजा गया है, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान अब कमेंट्रेटर सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह और राजीव शुक्ला भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल स्टेडियम को लेकर देश भर के हर व्यक्ति को इंतजार है, खासकर उन लोगों को जो भगवान शिव के भक्त हैं। इस स्टेडियम को हिंदुत्व से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जब से इस स्टेडियम की खबरें बाहर निकल कर आई हैं, तब से सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इन्हीं सोशल मीडिया यूजर में एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि जिस दिन मैच होगा वहां के दर्शकों को व्रत रखना होगा। वहीं इसके जवाब में एक अन्य सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि व्रत मैच के लिए रखो या खुद के लिए, फायदा आपके शरीर को ही होगा। आज के युग में उसे इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। इतना ही नहीं, कई अन्य भी यूजर हैं जो अपनी राय कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। फिलहाल आपका इस स्टेडियम को लेकर क्या कहना है, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। वैसे इस स्टेडियम को लेकर लोगों का तो मानना यहां तक है कि ये स्टेडियम विश्व धरोहर में भी शामिल हो सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इससे पहले कभी भी भगवान शिव से जुड़ा ऐसा स्टेडियम दुनिया में कहीं नहीं बना। यानी भारत इस बार अलग करने जा रहा है और इसलिए भी इस स्टेडियम की चर्चा विश्व के कोने कोने तक हो रही है। साथ ही ये स्टेडियम आधुनिकता और स्तंभ कला का जीता जागता उदाहरण भी बन सकता है जो कई वर्षों तक भगवान शिव की महिमा का गुणगान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।